आज आपकी मीटिंग कैसी रही इब्राहिम? एक्चुअली मीटिंग क्या थी, वो क्राइम बीट वाले जमा हुए थे सारे। वो मैंने पिछले हफ्ते वो ड्रग माफिया वालों को नहीं एक्सपोज किया था, उसके कुछ और लोग पकड़े गए। बस उसी सिलसिले में खबर बना रहे थे। तुम देखना, आप कल सारे बड़े अखबारों की शह सुर्खी होगी, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आप क्यों दुश्मनियां मोल ले रहे हैं? पुलिस का काम होता है मुजरिमों को पकड़ना। तो अरे लेकिन मुजरिमों को निशानदेही करना तो एक अच्छे जर्नलिस्ट का काम है ना, तो अपना काम ही कर रहा हूँ और क्या। अरे भाई, ये क्या बोरिंग बातें शुरू कर दी आप लोगों ने। अब्बू आप ये खीर खाएं, बच्चों ने बनाई है, बहुत टेस्टी है। ये ले, दिखाओ भाई। बहुत अच्छी भाई, वाह जबरदस्त, शाबाश। आरिफ लो, तुम भी लो। जी चम्मच। तो बहुत मजे की है। लेकिन लेकिन क्या आरिफ भाई, बच्चों की बनाई हुई खीर आपको पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि नवाबशाह में हमारे घर में जब भी अम्मी खीर बनाती हैं तो उसे वो मिट्टी के बर्तन में रखती हैं, जिससे होता यह है कि खीर में मिट्टी की खुशबू आ जाती है, तो वो और भी अच्छी लगती है। ओ, उसे यहाँ फिरनी कहते हैं। भाई तुम अगली बार बनाओ तो इसे मिट्टी के बर्तन में देना। तुम फिरनी कहना तो खीर समझ के खा लेगा। लगता है तुम्हें खीर को ज्यादा ही पसंद है। अरे नहीं नहीं मुमानी, मैं तो बस यूं ही। वैसे दुनिया के हर मर्द को अपने माँ के हाथ की बनाई हुई चीजों का मवाजना अपनी बीवी से करना बहुत जरूरी होता है। अरे नहीं नहीं मुमानी, मैं तो बस यूं ही, एक बात आई दिमाग में तो कह दी। वैसे महनाज, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मीठे भी जबरदस्त, पूरे खानदान में मशहूर है। चाय कौन कौन पिएगा? मैं जरूर पीऊंगी। मैं तो नहीं पीऊंगा भाई, खीर के बाद चाय कौन पीता। अच्छा कल सुबह 9 बजे।